हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विक्रांत शेवारे और आज स्काईलाइन फाउंडेशन लेट योर ड्रीम टेक फ्लाइट में मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के संडे क्विज का जो अगला प्रश्न है वो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि ड्यूरिंग विच ईयर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। इसका सही जवाब है 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है शुरुआत हुई थी उसकी। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं हमारे इसके अगले प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है कि इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन द प्लेस, उसका सही जवाब है लुम्बिनी नेपाल। ये नेपाल देश के लुम्बिनी शहर में इनका जन्म हुआ था। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, द लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। तो आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के क्विज का तीसरा प्रश्न है, वॉट इज जुम्बा। जुम्बा क्या है? तो बच्चों, इसका सही जवाब है डांस वर्कआउट। ये एक डांस वर्कआउट है और इस डांस वर्कआउट को सभी लोग आजकल फॉलो करते हैं, ट्रेंड में है फिलहाल। तो बढ़ते हैं हमारे क्विज के अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न है कि नेम द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र स्टेट का फोक डांस बताना है। तो इसका सही जवाब है लावणी। लावणी जो है महाराष्ट्र स्टेट का ये एक फोक डांस आर्ट है। और ऐसे ही हमारे देश में नंबर ऑफ डांस आर्ट है, हर अलग स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म है। वैसे ही महाराष्ट्र का जो है वो लावणी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला प्रश्न है और पांचवा कि विच कंट्री डज वॉलीबॉल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कि कौन सी कंट्री से जो वॉलीबॉल जो मतलब है स्पोर्ट है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका सही जवाब है द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वॉलीबॉल का इस खेल का जन्म हुआ था। ये बर्थ प्लेस है ओरिजिनेट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। दीपा कर्माकर जो है ये एक इंडियन प्लेयर है बच्चों, और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? इसका सही जवाब है जिमनास्टिक। जिमनास्टिक के स्पोर्ट से ये दीपा कर्माकर जो ये प्लेयर है वो बिलोंग करती है और एक इंडियन प्लेयर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारे क्विज का अगला प्रश्न जो है वो है नेम द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया? बच्चों, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। और इसका इन्वेंटर का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। ये थॉमस एल्वा एडिसन जो है इन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंट किया था, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आज के क्विज का अगला प्रश्न जो है और आठवां प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंट किया था, द राइट ब्रदर्स दोनों भाई थे। और बढ़ते हैं हमारे क्विज के अगले प्रश्न की ओर। आज के क्विज का अगला प्रश्न और नवा प्रश्न है कि हु इज द CM ऑफ दिल्ली। ये रिलेटेड है क्वेश्चन, प्रश्न जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। तो CM ऑफ दिल्ली कौन है? कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के CM है। और हाल फिलहाल में जो अभी चल रहे हैं COVID-19 के सिलसिले में इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस उनके स्टेट के लिए लिए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और आज के क्विज का लास्ट मतलब सबसे दसवां क्वेश्चन है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बच्चों, मैंने लास्ट जो क्विज ली थी उसमें पूछा था कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का, तो जिन्होंने लिखा है। तो मैंने आज के इस प्रश्न में कहा है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम अलग है और नेशनल सॉन्ग अलग है, तो नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा था। तो आज इसी के साथ थॉमस एल्वा एडिसन जो है इन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंट किया था, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आज के क्विज का अगला प्रश्न जो है और आठवां प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंट किया था, द राइट ब्रदर्स दोनों भाई थे। और बढ़ते हैं हमारे क्विज के अगले प्रश्न की ओर। आशु की सा अगला प्रश्न और नवा प्रश्न है कि हु इज द CM ऑफ दिल्ली। ये रिलेटेड है क्वेश्चन, प्रश्न जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। तो CM ऑफ दिल्ली कौन है?
कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के सीएम है, और हाल फिलहाल में जो अभी चल रहे हैं कोविड 19 के सिलसिले में इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस उनके स्टेट के लिए लिए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर, और आज के क्विज का लास्ट मतलब सबसे दसवां क्वेश्चन है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बच्चों मैंने लास्ट जो क्विज ली थी उसमें पूछा था कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का, तो जिन्होंने लिखा है, तो मैंने आज के इस प्रश्न में कहा है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम अलग है और नेशनल सॉन्ग अलग है, तो नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा था। तो आज इसी के साथ